स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोमेडिक में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद जरूरी वीडियो। आप समझिए कि डायबिटीज रिवर्सल के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर पूरी तरह से निगरानी रखनी पड़ेगी ताकि आप अपने रिवर्सल की स्पीड को बढ़ा सकें। आज हम जानेंगे कि ये कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें दूर करना है। तो सबसे पहले नंबर पर तो है कि शरीर में किसी भी तरह की सूजन या इन्फेक्शन होना, किसी भी तरह के पोषण की कमी होना, कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस आपके डायबिटीज रिवर्सल की स्पीड को प्रभावित करता है दोस्तों। इसी तरह से अगला है कि अत्यधिक कमजोरी होना या मोटापा होना, या फिर हार्ट, लीवर, किडनी आदि से संबंधित कोई समस्या होना, या इमोशनल या स्ट्रेस। तो आप समझिए, शरीर में किसी भी तरह की सूजन या कहीं भी इन्फेक्शन हो, चाहे थोड़ा ही हो, ये दोनों ही चीज़ें आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाती हैं। और अगर ये समस्या है तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और सामान्य तौर पर ये समस्याएं अनहेल्दी फूड आइटम खाने से होती हैं, गलत समय पर खाना खाने से, देरी से सोने या देरी से जागने पर होती हैं। और दोस्तों, डायबिटीज रिवर्सल के लिए इन समस्याओं को दूर करना बहुत ज़रूरी होगा। फिर अगली बात करें किसी भी तरह के पोषण की कमी होना। तो अगर आप में किसी भी तरह के पोषक तत्व की कमी है, जैसे कि विटामिन B3, B12, विटामिन डी या विटामिन सी आदि की, तो आप समझिए कि आपका डायबिटीज रिवर्सल निश्चित रूप से धीमा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको किसी भी स्थिति में अपने भीतर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बचना चाहिए। और अगर आप इस डेफिशिएंसी को ठीक तरीके से मैनेज कर पाते हैं दोस्तों, तो आपका डायबिटीज रिवर्सल तेज गति से होना शुरू। तो आप समझिए कि अगर आप में किसी भी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, जैसे कि थायराइड का असंतुलित होना, लेप्टिन या टेस्टोस्टेरोन का असंतुलित होना, या फिर महिलाओं में एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन का घटना या बढ़ना, तो इन सब समस्याओं से भी कहीं ना कहीं डायबिटीज रिवर्सल में काफ़ी रुकावट है। तो आपको किसी भी स्थिति में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या को दूर करना पड़ेगा। फिर समझिए दोस्तों कि अत्यधिक कमजोरी होना या फिर मोटापा होना, दोनों ही आपके लिए समस्या है। और अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो आपको भी डायबिटीज रिवर्सल से जूझना पड़ेगा। और निश्चित रूप से इस समस्या की वजह से भी आपका रिवर्सल धीमा पड़ सकता है।